सो गाइस, उस नदी को देखने के बाद फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। अब हम लोग वापस रिटर्न घर की ओर जा रहे हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नेकलेस के घर। हे गाइस, क्या सब, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉगर। गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं दादी के घर, और चलो आप लोगों को घुमाता हूं मैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस, मेरी दादी का घर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो बहुत मजा आने वाला है। चलो दिखाते हैं। सो गाइस, चलते चलते हम लोगों को यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो भाई इतनी ज़्यादा धूल थी यहाँ पे। आप लोग देखो, मैं बोल भी रहा था ना भाई, तो मैं बोलने भी नहीं सक रहा था ठीक से। और भाई उसके बाद मुझे खांसी और छींक आने लगी बहुत ज़ोर से। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं बीजू पाड़ा। आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे भोला मिष्ठान भंडार है। आते कुछ यहाँ से फिलहाल, देखो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और अभी फिलहाल हम लोगों का ऑर्डर आने वाला, दिखाते हैं आप लोग क्या क्या मंगाया है। यहाँ पे आ चुका हमारा समोसा। और अभी चाउमिन भी आने वाला है, दिखाता हूँ। तो चाउमिन भी यहाँ पे आप देखो। गाइस, आप लोग देखो यहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं, यहाँ पे जंगल है। और आप लोग सामने का नज़ारा देखो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। गाइस, बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है गाइस, दूर दूर तक इंसान नहीं दिखेंगे आपको। Dear grills, you are watching Man vs Wild. हम लोग भी जंगल में आए हैं। यहाँ पर हम लोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ें करने वाले दोस्तों। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो कर रहा हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। गाइस, कैसे दिखाऊं भाई मैं। ओके दोस्तों, हम लोग अभी अंदर चलेंगे दोस्तों। मजाक करो गाइस। गाइस आप लोग देखो, गाइस मेरे पीछे खुला आसमान, खुली वादियाँ और सब कुछ। वेरी नाइस, वेरी डेंजरस। इस खुले आसमान के अंदर हमें मिल गया एक खुला खुला मकड़ा। आप लोग देखो भाई, खतरनाक दिख रहा भाई, इससे दूर रहते हैं गाइस हम लोग। गाड़ी खरीदी, आप लोग देखो हमारी गाड़ी बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है। मजाक करो गाइस, हम लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे, फ्री फ्री फ्यूल सेव करने का गाइस। सेव फ्यूल, सेव लाइफ।
राज कर रहे थे तो उन्होंने ये जगह चुनी थी रहने के लिए क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह है, पहाड़ के ऊपर इसलिए बहुत ठंडी जगह है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ लोगों को एक अच्छा क्लाइमेट मिल गया था रहने के लिए, तो वो लोग यहाँ ही पर रहे थे। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घर है ना जिसके अंदर की मतलब आप लोगों को दिख जाएगा अंग्रेज उसका जो डिज़ाइन है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी आपको देखो। और गाइस ये सब जगह गाइस ये सब स्टे करने के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, मतलब अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अकोमोडेशन मिल जाएंगे रुकने के लिए। ये जो घर है ना गाइस ये पूरा तहस नहस हो गया, अच्छे से आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि सब कुछ जो है अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है और बहुत सी चीज़ों को रिनोवेट नहीं किया गया। और ये है चर्च, thank you.
फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे यहाँ पे डेगाडे की नदी है। नदी में पानी नहीं गाइस, जब पानी आता होगा तो ये अच्छा लगता होगा देखने में भी। सब देखो फिलहाल गाइज यहाँ पे तो हम लोग को कुछ ऐसा अच्छा दिखा नहीं, तो अब हम लोग चलेंगे भाई रिटर्न। सो वैसे उस नदी को देखने के बाद फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। अब हम लोग वापस रिटर्न घर की ओर जा रहे हैं। और अभी फिलहाल हम लोग आए सर्वधर्म स्थल पे। यहाँ पे सारे धर्म हैं एक जगह पे, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। राधा कृष्ण जी हैं, हाँ ये दरगाह है गाइस, आप लोग देखो ये दरगाह है। और भाई हमारी ओर से तो सारे और गाइस हमारी ओर से तो सभी धर्म को रिस्पेक्ट है भाई, सभी धर्म अपनी जगह पे सही है, हर धर्म अलग अलग है। और ये आप लोग देखो कि क्रिश्चियंस का है। और ये गुरुद्वारा है गाइस, मतलब इसको जो है ना, अगर गवर्नमेंट चाहे ना तो ये बहुत अच्छा चीज़ बन सकता है, बट एक्चुअल में ना प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। भाई देखो ऊपर से कैसे टूट गया ये सब, कभी भी गिर सकता है। और गुरुद्वारे की हालत आप लोग देखो,